हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 2 दिसंबर 2018 की डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। एक्चुअली हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज है वो 2-3 दिन डिस्कस नहीं हो पाई क्योंकि मुझे कुछ कारणों से कहीं बाहर जाना था तो शाम को टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके वजह से हमारा वीडियो प्रॉपर बन नहीं पाया था। तो चलते हैं, हमारी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में कौन सी वीटो पावर है, वो नहीं है। देखो, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो एग्जाम में तो जल्दबाजी में ये चीज ध्यान रखनी कि ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम ये भूल जाएं कि पूछा क्या है। हमें ये ध्यान रखना है कि आप क्या पूछा हुआ है कि नहीं है, मतलब जो इनमें से वीटो पावर नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, पहले आती है यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्वालिफाइड वीटो, तीसरा दिया गया है सस्पेंसिव वीटो, चौथा दिया गया है पॉकेट वीटो। तो देखो, जैसा कि हमने पढ़ा है कि पॉकेट वीटो की पावर तो कॉमन सी है, ये तो आपको पता है, ऑब्वियसली दी हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं सस्पेंड वीटो। तो सस्पेंड वीटो है वो बेसिकली हम बात करें तो सामान्य जो बहुमत होता है उसके साथ विधायिका द्वारा ओवरराइड की कंडीशन में किया जाता है। हम बात करें निरपेक्ष वीटो की या फिर हम बात करें एब्सोल्यूट वीटो की, तो वो देखो बेसिकली विधायिका के द्वारा कोई भी बिल है वो पारित किया गया है, उस बिल को रोकना है, उस कंडीशन में बेसिकली राष्ट्रपति इसका यूज है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो है उसका प्रोविजन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, ये बेसिकली यूएसए में कंटिन्यू होती है, यूएसए में इसको कंटिन्यू है वो किया गया, मतलब इंडिया के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है, यहाँ पे सस्पेंडिव वीटो है, पॉकेट वीटो है, बस कौन सी वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो है, वो भारत के राष्ट्रपति को शक्ति के तौर पर नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अध्यादेश के बारे में किस स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एक अध्यादेश पूर्व प्रभावी हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि है संसद या किसी अन्य अध्यादेश के किसी भी अधिनियम को संशोधित या निरस्त है वो कर सकता है। वो तीसरा दिया गया है इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी किया सकता है। अब आप एक चीज देखिए कि संविधान संशोधन के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, कि अध्यादेश जारी नहीं किया सकता, मतलब थर्ड ऑप्शन को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, डी गायब हो गया और बी गायब होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है यहाँ पे ए और सी में से। पहला स्टेटमेंट क्या है कि एक अध्यादेश पूर्व प्रभावी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित बयानों पे विचार है वो करना है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। देखो ये देखिए यहाँ क्या पूछा है कि सही स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। दूसरा दिया गया है यदि एक राज्य कानून मृत्युदंड निर्धारित करता है तो क्षमा मांगने की शक्ति वो राज्यपाल के पास है। तीसरा दिया गया है कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा किए गए वाक्यों को भी क्षमा है वो कर सकता है। देखो तीसरे में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बात करें हम पहले की तो पहला भी बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि क्षमादान की शक्ति है वो केवल और केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को दी गई है। जो राज्यपाल है वो क्षमा नहीं कर सकते किसी को भी, अगर क्षमा करना है तो वो काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ये पावर केवल और केवल राष्ट्रपति को दी गई है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ए और सी आप बोल सकते हो कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट से, इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तीसरा दिया गया है उसे लाभ के पद पर कार्यरत नहीं करना चाहिए। देखो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का इलेक्शन है वो बेसिकली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, मतलब जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं इलेक्ट उनको किया जाता। थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, उसे लाभ के पद पर कार्यरत नहीं करना चाहिए, जी बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट आप देखिए क्या कह रहा है कि संसद का सदस्य होना चाहिए, जी राष्ट्र उपराष्ट्रपति सॉरी जो होता है उसके इलेक्शन के लिए आपको पता है कि संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए को आप गलत करना है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सी है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा दिया गया है कि वह मंत्रियों के बीच विभिन्न पोर्टफोलियो आवंटन और उनको पुनर्स्थापित करता है। तीसरा दिया गया है कि वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकते हैं। अब आप एक बार देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स से बताना है।
पहली बात तो आप ये देखिए कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। देखो राष्ट्रपति है बेसिकली, उसके द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की एड और एडवाइस के बाद। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, मतलब पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत होता है, सेकंड और थर्ड को आपको एक्चुअली चेक करना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अटोर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में। क्वेश्चन ये है कि नीचे या निम्नलिखित में से अटोर्नी जनरल की नियुक्ति हेतु कौन सी योग्यता है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वह 5 साल तक उच्च न्यायालय का जज होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि वह 10 साल तक के लिए उच्च न्यायालय के वकील होने चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया कि राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट न्यायवादी होने चाहिए। जी तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और एक चौथी कंडीशन कौन सी होती है, बेसिकली चार ही कंडीशन होती है अटोर्नी जनरल के लिए। चौथी कंडीशन होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भारत के राष्ट्रपति की निरपेक्ष वीटो की शक्ति मिली है, यानी संसद द्वारा पारित बिल को अपनी सहमति से रोक सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित मामलों में से निरपेक्ष वीटो का यूज है वो राष्ट्रपति कहां पे कर सकते हैं। मतलब हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए और हमें ये बताना है कि राष्ट्रपति इनमें से कहां पे निरपेक्ष वीटो का यूज है वो कर सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है निजी सदस्यों के बिल के संबंध में। दूसरा दिया गया है कैबिनेट ने इस्तीफा दिया हो जब सरकारी बिल के संबंध में। तीसरा दिया गया है कि राज्य के नाम और सीमा के बिल बनाने के संबंध में। चौथा दिया गया है एक संवैधानिक संशोधन के विधेयक के संबंध में। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं कि संवैधानिक संशोधन के विधेयक की बात करें और राज्य के नाम और सीमा बदलने के, तो आपको पता है कि राज्य की नाम अगर सीमा बदलनी हो तो उस कंडीशन में अगर बिल भी लाया जा रहा है तो वो बिल राष्ट्रपति की अनुमति पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है। मतलब पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है उसके बाद लाया जाता है। मतलब यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे गलत कर रहे हो तो आपके सामने क्या हुआ, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। तो अपने आप आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ गया ए। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट का मेथड यूज कर सकते हो। और चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है कि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में भी बेसिकली निरपेक्ष वीटो का यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम बात करें एक और दो कि इसके करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। निरपेक्ष वीटो की बात अगर हम करें तो यह संसद द्वारा पारित बिल है उसको सहमति से रोकने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को एक तरीके से संदर्भित है वो करता है। बिल समाप्त हो जाता है और क्या होता है, वो एक्ट है वो नहीं बनता है, कानून है वो नहीं बनता है। बेसिकली दो ही कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। पहला तो यह कि निजी विधेयकों के द्वारा कोई भी बिल लाया जाता है तो उस कंडीशन में, और हमें जानते हैं कि निजी विधेयक का मतलब क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल, जो कि बेसिकली किसी मंत्री के द्वारा नहीं लाया जाता हो। मतलब अगर कोई भी सदस्य ला रहा है पार्लियामेंट का तो वो बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल, या उसे हम निजी विधेयक के तौर पे जानते हैं। तो वो बेसिकली निरपेक्ष वीटो के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकारी बिलों के संदर्भ में जब मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया हो तो उस कंडीशन की बात यहाँ पे की गई है। तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी है कि निरपेक्ष वीटो का यूज है वो कहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कॉलेज का गठन है वो करता है। मतलब उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात यहाँ पे की गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा दिया गया है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा दिया गया है कि दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। अब आप एक बार दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा की क्या कह रहा है, देखो वर्ड देखिए आप, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आपको पता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में भी विधानसभा है ऑब्वियसली, इसका मतलब इनमें भी निर्वाचित सदस्य होगी। मतलब अगर दूसरा सही हो रहा है तो तीसरा भी ऑब्वियसली सही होगा। ये तो आपको दिखा कि दूसरा और तीसरा या तो गलत होंगे या फिर सही होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सीन है। पहला तो क्या है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, तो हम एक एक करके देखते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है। देखो ये चीज तो अभी हमने डिस्कस की थी कि आनुपातिक प्रतिनिधियों के द्वारा बेसिकली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है वो किया जाता है। मतलब इनडायरेक्टली जनता उन्हें इलेक्ट है वो करती है। अब देखो अहम बात है कि कौन किस में पार्टिसिपेट करता है, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन है वो होता है। तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल कहां पे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात की जा रही है, मतलब संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। और राष्ट्रपति की कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल और केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें संसद के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसमें जो सदस्य निर्वाचित किए गए हैं वही पार्टिसिपेट है वो करेंगे।
दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्य विधानसभा यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्टेट जो असेंबली है उसकी बात हम करें तो उनको बेसिकली शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हो तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी पार्टिसिपेट वो करवाया जाता है। देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का मतलब क्या है कि राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, राज्यसभा में एक तरीके से स्पीकर का पद चुना जा रहा है, आप बोल सकते हो कि चेयरमैन का पद चुनना है, तो उस कंडीशन में मतलब राज्यसभा की बात है तो भाई स्टेट का क्या लेना देना वहां पे एक्चुअली, तो स्टेट में तो पहले ही प्रतिनिधित्व होता है उसमें, तो इसका मतलब स्टेट की जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो अब आप क्वेश्चन पे चलिए, मतलब यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि निर्वाचित सदस्य तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो इसलिए इसका आंसर है वो यहाँ पे बी हो जाएगा, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कौन किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट है वो करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रकार के बिलों में से कौन सा संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश है वो किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें राष्ट्रपति के समय की निधि में वह शामिल का एक बिल, दूसरा दिया गया है कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए एक बिल, तीसरा दिया गया है एक नए राज्य के निर्माण के लिए बिल। देखो इन तीनों ही कंडीशन में अगर बिल लेके आना है तो वो बेसिकली राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व सिफारिश के बाद ही लाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही राज्य की सीमाओं में संशोधन किया जा सकता है, इसके साथ ही राज्य को नया राज्य बनाना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति पहले जरूरी है, और भारत की जो समय की निधि में अगर वो भी व्यय का बिल है लेके उसको वो भी बेसिकली राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की डिस्कशन, आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल के डिस्कशन इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।